ऐसा लगता है कि इस देश में लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिला फिरोजाबाद में, जहां पर एक आदमी ने अपनी ही बहन से सिर्फ इसलिए शादी कर ली ताकि उसे सीएम विवाह योजना स्कीम से पैसा मिल सके। ऐसा सुनने में आया है कि स्कीम के तहत यूपी गवर्नमेंट हर नवविवाहित जोड़े को 35,000 रुपए के साथ साथ घर का कुछ सामान भी गिफ्ट कर रही है। और बस इसी स्कीम का फायदा उठाने के चक्कर में इस आदमी ने अपनी ही बहन से शादी कर ली। इससे हमें एक बात याद आती है, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। गाइस, आपका इस घटना के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ। गाइस, ISC बेंगलोर के कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना है कि उनके हॉस्टल से सीलिंग फैंस यानी कि छत के पंखे उतारे जा रहे हैं, और उसके पीछे का रीजन जानकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल ये एक तरह की कॉलेज की स्कीम है, और स्कीम के तहत सीलिंग फैंस को उतार कर वॉल माउंटेड फैंस लगाए जाएंगे ताकि कैंपस में सुसाइड की घटनाओं को रोका जा सके। और स्कीम के तहत अब स्टूडेंट्स को छत पे जाना भी अलाउड नहीं है। गाइस, आपको क्या लगता है कि कॉलेज की स्कीम से क्या सुसाइड की घटनाएं रुक जाएंगी, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने फिर से अपना सनकीपन दिखाते हुए 14 साल के एक बच्चे को सिर्फ एक फिल्म देखने के कारण 14 साल की जेल की सजा सुना दी। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं कि ये बच्चा साउथ कोरियन मिस्ट्री ड्रामा फिल्म द अंकल देख रहा था, और उसने ये फिल्म सिर्फ 5 मिनट ही देखी थी कि उत्तर कोरिया पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी की बड़ी वजह यह भी है कि उत्तर कोरिया साउथ कोरिया को अपना दुश्मन मानता है, इसलिए साउथ कोरिया की हर एक चीज को तानाशाह किम जोंग ने अपने देश में बैन कर रखा है। गाइज, आजकल सोशल मीडिया पर किसी फेमस पर्सनालिटी की पर्सनल फोटो को अपनी प्रोफाइल फोटो बनाना आम बात है, यहां तक कि कुछ लोग उस पर्सनालिटी का नाम भी अपनी प्रोफाइल पर डाल देते हैं। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति की पर्सनल फोटो और उसका नाम गलत तरीके से इस्तेमाल करना कानूनी अपराध है? जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। उस व्यक्ति को इससे आपत्ति अगर है तो वो आपकी कंप्लेन भी कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो आपको IT एक्ट धारा 66 के तहत 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। मेक्सिको में एक 17 साल के लड़के को 24 साल की उसकी गर्लफ्रेंड के लव बाइट के चक्कर में अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दरअसल हुआ कुछ यूं कि गर्लफ्रेंड ने लव बाइट के दौरान उस लड़के की नस पर काट लिया, जिससे उस लड़के की मौके पर ही मौत हो गई। अगर वहीं हम डॉक्टर्स की माने तो सक्शन की वजह से लड़के की गर्दन पर ब्लड क्लॉट बन गया, जिससे ब्लड फ्लो होना बंद हो गया और ब्लड उसके दिमाग तक पहुंचा ही नहीं, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। इसलिए गाइज, प्यार में भी वाइल्ड इमोशंस को कंट्रोल में रखें, नहीं तो किसी की जान पर भी बना सकती है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ट्यूशन फीस के चक्कर में बहुत से बच्चे पढ़ नहीं पाते, और गरीबी की वजह से कई बच्चे कचरा उठाने पर मजबूर हैं। पर असम गुवाहाटी के पामोही गांव में अक्सर नाम का एक स्कूल है, जहां पर ट्यूशन फीस के बदले प्लास्टिक का कचरा लिया जाता है, जिससे गरीब बच्चे पढ़ भी पाते हैं और प्लास्टिक के कचरे की सफाई के साथ साथ इस कचरे का इस्तेमाल करके इको ब्रिक्स बनाई जाती हैं। यह स्कूल प्रमिता शर्मा नाम की एक महिला ने शुरू किया था, बाद में इसे ग्रीन स्कूल के नाम से भी जाना जाने लगा। गाइस, आपको प्रमिता शर्मा जी का ये आइडिया कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ।